जौनपुर जिले के रामनगर ब्लॉक के बुद्धिपुर गांव में पिछले 3 माह से बिजली का ट्रांसफार्मर जल जाने के कारण रमेश सहित लगभग 50 परिवारों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। 3 महीने से ट्रांसफार्मर जला हुआ है, जिसके कारण जो है खेती बेकार हो रही है। एक ट्रांसफार्मर से कितने कनेक्शन वाले हैं? एक ट्रांसफार्मर से लगभग 26-27 कनेक्शन है, जिसमें 25 हॉर्स पावर का ट्रांसफार्मर है, उसमें 40 हॉर्स पावर का लोड दिया जा रहा है। इसे बार बार वो जलता है और 3 महीने से जल चुका है। इसे किसानों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? इससे तो किसान एकदम त्रस्त हैं, फसल सूख जा रही है और बच्चों के पढ़ाई पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। आपने कोई प्रयास किया? हाँ, इस बारे में हम लोग ने एप्लीकेशन दिया है जौनपुर बिजली विभाग को, और एप्लीकेशन के साथ JSDO का साइन करा के हम लोग बनारस जो है ऑफिस पे भेजे। शाम को पढ़ाई होती है, पर इस टाइम लाइट न होने की वजह से काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपने आया और एक वीडियो बनाया, उस वीडियो के माध्यम से गांव में मीटिंग करवाई और उस मीटिंग में लैपटॉप के ज़रिए एक वीडियो दिखाया और फिर उस वीडियो को आप वहाँ एक्शन ऑफिस मड़ियाहूँ जौनपुर लेके गए और हमारे गांव के जो बड़े आदमी थे वो गए और वहाँ से 63 KVA का ट्रांसफार्मर लेके आए। 63 KVA का ट्रांसफार्मर लग जाने से जहाँ हम लोग को साल भर में करीब 6-7 बार 25 KVA का जलता था, अभी 63 का लग जाने से नहीं जल रहा है और सभी बच्चे खेती सब आराम से हो रहा है, हम लोग को दिक्कत नहीं हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि मैं इसी तरह समुदाय की समस्या को उठाती रहूँ, उनको संगठित व जागरूक करते हुए उनकी समस्याओं पर समाधान लाती रहूँ। मैं उषा पटेल, जौनपुर जिला के उत्तर प्रदेश, इंडिया नहर के लिए।